मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भूख पुलिस ने पिटाई हत्या की खुलासा। बताते चले भूख थाना अंतर्गत ग्राम चाथड़ में 16 अक्टूबर रात पुजारी विक्रम सिंह की हत्या। श्रीमान पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, एसडीओपी अटेर सुरेंद्र सिंह तोमर निर्देश पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध संगीन अपराध में दिरांग भूख थाना प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर अंगाड़ी ने पुजारी हत्या की खुलासा कर दिया। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त की गई हत्या का संदेही आरोपी कुंवारी नदी के पास ग्राम कानपुर रोड पर खड़ा होकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा था। मुखबिर के बताए स्थान पर फोर्स पुलिस पहुंची और एक व्यक्ति को पुलिस को देखकर हड़बड़ा भागने लगा। फोर्स की मदद से पकड़ा गया। नाम पूछा तो उसने अपना नाम राम कुमार काफी बताया। जन पहचान वाले घर या पीछे से साथ में रानी ब्रह्मा के बच्चे भी कुछ आगे घर या पीछे से घटना की रात को पास में ही एक स्थान है पीर बाबा का स्थान है, फरीद बाबा, वहाँ रामायण चल रही थी। ये आरोपी आश्रम का था और राजा पी के वहीं लेटा हुआ था। मृतक जो है विक्रम सिंह जी चले गए थे रामायण सिंह नगरी फरीद बाबा, वहाँ से 100 मीटर करीब होगा जी। वहाँ उन्होंने रामायण सुनी और उसके बाद 12 बजे करीब आश्रम को वापस आए जी। तब से लेटा हुआ था खटिया पे और उसने किवाड़ वार खुले छोड़ दिए थे और उनको लगा कि किवाड़ खुले छोड़ खुले हैं इसने और इस बात पर उनसे कुछ वातावरण हुआ। उन्होंने डाटा और किसको आरोपी को राजकुमार नाम है इसका जी। इसमें ऐसी बात कर लेके अपनी साथी से उनका गला घोटा। खुलासा सर आपने किस किस उद्देश्य से मतलब किस तरीके से किया? साफी से किया, साफी से इतना गला घोट दिया। क्या बीड़ी और साफी हुई स्पॉट पर टूट गई थी, उसी से मामला ट्रेस हुआ। तो वहाँ वहाँ आरोपी द्वारा कोई लूटपाट को अंजाम दिया गया था? नहीं, लूटपाट का तो कोई ऐसा गला नहीं है, निश्चित कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि उनके पास कुछ पैसे थे या कुछ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं मिला। क्या नाम है सर आरोपी का? आरोपी का नाम है राजकुमार पुत्र राम प्रकाश काछी कुशवा। किस जगह से गिरफ्तार किया गया है? ये कुंवारी नदी पुल के पास करुणपुरा नाम करुणपुरा गिरफ्तार किया गया है। पहले भी इसकी पूछताछ की गई थी, घटना के समय इसकी तस्दीक की गई थी और एविडेंस इकट्ठे करने के लिए जब एविडेंस मिल गया तब इसको गिरफ्तार किया।